नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित वेजर यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पबजी मोबाइल लाइट लेटेस्ट वर्जन 0.10 को अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स में कैसे खेलें। जो पिछला मेरा वीडियो था ग्राफिक्स इंप्रूव करने वाला, वो थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन ये जो तरीका मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, हर कोई ये इजिली फॉलो कर सकता है। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो मेरा ग्राफिक्स कितना नीट एंड क्लीन, और ये बंदा जो है कितना ज़्यादा गोरा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक कुछ एग्जांपल और दिखा देता हूं आप लोगों को। इसको ये ड्रेस पहना देता हूं, आप देख सकते हो ये कितना मस्त लग रहा है, एकदम डार्क ब्लैक लग रहा है। उसके अलावा जो ऑरेंज है वो भी एकदम निखर के आ रहा है। तो ये कुल मिला के बहुत ही परफेक्ट ग्राफिक दिखाई दे रहा है। तो आपको भी इस तरह का ग्राफिक चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दोस्तों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में GFX 12 Pro का डाउनलोड लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद सिंपली इसको ओपन कीजिए। जब आप इसको पहली बार ओपन करोगे तो हो सकता है ये कुछ परमिशंस मांगे, तो उसको अलाउ कर देना। तो इस तरह का UI देखने को मिलेगा जब आप पहली बार इस ऐप को ओपन करोगे। तो सेटअप इसको कैसे करना है वो आप लोगों को समझा देता हूँ। ऊपर जो गेम वर्जन है उसको दोस्तों 0.9 लाइट ही रहने देना है, कैंसिल लेने की कोई बात नहीं है। दोस्तों 0.10 में वर्क करेगा ये 100%, मैंने खुद चेक किया है। अब नीचे रेजुलेशन में दोस्तों यहाँ पे अपने फोन के हिसाब से आप लोगों को सेलेक्ट करना है। जो मैंने वीडियो के शुरुआत में जो ग्राफिक्स दिखाया गेम प्ले का दोस्तों, वो मैंने ये सेट किया था 2560, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, यानी कि आप लोगों को सजेस्ट करूंगा 1920 इसको सेटअप कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका गेम ज्यादा लैग भी नहीं करेगा और ग्राफिक्स भी ठीक ठाक आ जाएगा। तो ये आप लोगों को सेलेक्ट करना है। अब नीचे दोस्तों ग्राफिक्स में आप लोगों को हो सकता है HD भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि HDR भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने वीडियो के शुरुआत में जो आप लोगों को ग्राफिक्स दिखाया था उसमें HDR सेलेक्ट किया था, लेकिन आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि HD आप सेलेक्ट कीजिए। उससे क्या होगा, आपका गेम लैग कम होगा। HDR अगर आपके फ़ोन में 2GB रैम है तो HDR आप सेलेक्ट करना, अगर 1GB रैम है तो दोस्तों सिर्फ HD सेलेक्ट करना, उससे लैग कम होगा। अब नीचे स्टाइल में दोस्तों आप यहाँ पे कलरफुल चूज़ कर सकते हो, या फिर क्लासिक भी मतलब जो क्लासिक है उसी को रहने दे सकते हो। अगर कलरफुल चूज़ करोगे तो आपका जो ग्राफिक्स है थोड़ा बहुत जो है कलरफुल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे FPS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका गेम को जो है स्मूथ चलाने के लिए। तो FPS में आप लोगों को रिकमेंड करूँगा हाई या फिर अल्ट्रा रहने दीजिए। अगर दोस्तों आप एक्सट्रीम करोगे तो आपका फ़ोन का जो प्रोसेसर है बहुत ज़्यादा खाएगा और आपका फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा हीट करेगा। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अल्ट्रा या फिर हाई रहने दीजिएगा। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में जो ग्राफिक्स आप लोगों को दिखाया था वो अल्ट्रा में दिखाया, तो आप लोग भी अल्ट्रा या फिर हाई सेलेक्ट करना। अगर आपका फ़ोन 2GB रैम से ज़्यादा है या फिर 2GB रैम है तो ये सारे फीचर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे जो नीचे दिया गया है। बाकी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स नीचे दिए गए हैं इसको आप लोग छेड़िए मत, लेकिन जो मैंने आप लोगों को ऊपर जो सेटअप बता दिया वो सेटअप आप लोग कर लेना, सेलेक्ट कर लेना जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जैसे मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया। अब सिंपली दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, अप्लाई चेंज में क्लिक कर देना। ओके, सक्सेसफुली अप्लाइड हो गया है, ऊपर 0.9 है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब दोस्तों आप लोगों को होम स्क्रीन में जाना है और सिंपली गेम को ओपन करना है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को गेम खोल के दिखा देता हूँ, ओके, किस तरह का ग्राफिक्स होने वाला है। सो दोस्तों वो सारे सेटअप को अप्लाई करने के बाद मैंने गेम को ओपन कर लिया है। आप नोटिस कर सकते हो ग्राफिक्स कितना बढ़िया हो गया है। आप ये घर देख सकते हो, आप घर कितना कलरफुल दिख रहा है, उसका जो दरवाजा है वो भी एकदम नीट एंड क्लियर दिख रहा है। सो ये रेड भी एकदम रेड दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऐसे आप अपने पबजी मोबाइल लाइट को जो है HD ग्राफिक्स में खेल सकते हो। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो बहुत सारे यूजर्स जो पबजी मोबाइल लाइट खेल रहे हैं उनके जो स्क्रीन जो है ब्लैक हो जाता है या फिर उनका ग्राफिक्स जो है अजीब सा हो जाता है। हो सकता है ये GFX टूल यूज़ करने से उनका जो ब्लैक स्क्रीन एरर है वो फिक्स हो सकता है। मैं ये कंफर्म नहीं कह रहा, बट एक चांसेस है, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम आ रहा है वो स्क्रीन रेजुलेशन से ही आ रहा है। तो आप लोग स्क्रीन रेजुलेशन जो है GFX टूल में चेंज करके ट्राई करें, हो सकता है वो जो ब्लैक स्क्रीन वाला प्रॉब्लम है वो भी फिक्स हो जाए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ बताइए, और अगर आपका ग्राफिक्स चेंज हुआ है ना और बढ़िया हो गया है इस वीडियो को देखने के बाद, तो प्लीज़ वापस आके इस वीडियो के नीचे कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके जाना। बाय, हैव अ ग्रेट डे, दिस इज अजय साइनिंग ऑफ, कीप सपोर्टिंग। वाओ यार, क्या ग्राफिक्स होते हैं ऐसा।